रायबरेली जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के पास उस समय हड़कंप मच गया जब बछराओं के कुछ पीड़ित डीएम कार्यालय पे पहुंचे और एसडीएम महाराजगंज के साथ साथ क्षेत्रीय लेखपाल के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ितों का आरोप है कि वह बछराओं थाना क्षेत्र के महेरी गांव के रहने वाले हैं और वहां पर दबंगों से साठ गढ़ कर क्षेत्रीय लेखपाल व एसडीएम के द्वारा कब्जा कराया जा रहा है, जिससे आजीज होकर आज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया और उनको एक ज्ञापन सौंपा है। आइए आपको दिखाते हैं आप पीड़ित ने इस पूरे मामले में क्या कहा है और उनकी क्या मांगे हैं और उन्होंने क्षेत्रीय लेखपाल के साथ साथ एसडीएम पर किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? बजरंग सिंह। ये प्रदर्शन किस लिए है और क्या किस लिए धरना दे जा रहे हैं? सर, हम एक साल से बहुत परेशान हैं। हमारे गांव के लाल बहादुर सिंह और ये अजय चौधरी बछरावा महरी क्षेत्र के लेखपाल हैं सर। हम एक साल से बराबर अप्लीकेशन डाल रहे हैं सर। वो 5.5 बीघा अवैध बंजर का भी कब्जा किए हैं सर, और उसके बाद नाली भी जोते हैं सरकारी सर, उसमें 10 घरों का पानी आता है सर। हमारे दरवाजा के सामने नल लगा है सरकारी हैंडपम्प, उसमें से साइड से उनके खेत से नाली जाती है सर। सीओ साहब, एडीएम साहब सब आके नाली को खुलवाए थे, दोबारा फिर जोत लिए सर, और 290 आबादी भी उसमें थी वो भी जोत लिए सर। तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर? कोई कार्रवाई नहीं हो गई सर, हमको जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं सर। तो आज कहाँ है? आज हम सर डीएम सर के यहाँ आए सर, बहुत परेशान है सर।